नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार OTP के माध्यम से कैसे अपडेट करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड OTP के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना आधार कार्ड है, 10 साल पहले का आधार कार्ड है या 5 साल पहले का आधार कार्ड है, तो अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं आधार OTP के माध्यम से। तो कैसे अपडेट करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आपका पुराना आधार कार्ड है, 10 साल पहले या 15 साल पहले का आधार कार्ड है, तो आपको अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। अगर अपने आधार को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड जो है इनएक्टिव कर दिया जाएगा। मतलब आपके आधार कार्ड से ना ही पैसा निकलेगा, ना ही फिंगर काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। आपका आधार कार्ड जो है लॉक कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अपने आधार को अपडेट करने के लिए जो है आप OTP से कर सकते हैं अपडेट। तो कैसे करना हम इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं OTP के माध्यम से कैसे आधार अपडेट किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल में आपको सर्च करना है, आधार कार्ड लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने UID का पोर्टल आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे माई आधार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों माई आधार का दो ऑप्शन है, लेकिन आपको दूसरा नंबर पे क्लिक करना है। माई आधार वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है लॉगिन करने का, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड OTP के माध्यम से आप अपडेट करना चाहते हैं उस आधार नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे कैप्चा कोड है, देख सकते हैं RBJ, फिर से J और Z, ये कैप्चा कोड हमने टाइप किया। सेम इसी तरीके से आपको भी टाइप करना है और सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर टाइप करके OTP पे क्लिक कर लेते हैं। OTP आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का वेबसाइट यानी कि पोर्टल में आपका डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आधार अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो 14/6/2023 तक जो है आधार कार्ड बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है पिछले इसको हम डिलीट करते हैं, मैंने एक बार और वीडियो बनाया था तो हिस्ट्री हमने हटा दिया है। और इस ये तो डिस्पैच का, ठीक है। यहाँ से जो है आप PVC कार्ड के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं अपडेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं सर्विस इज फ्री 14/6/2023 तक है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफी डिटेल। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो यहाँ पे यस करेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, यस वेरीफाई, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपका जो है यहाँ पे एक प्रूफ दे देना है, प्रूफ देना है और बस सबमिट करना है, ठीक है। प्रूफ में देखिए क्या क्या इसमें लगेगा वो ध्यान से देख लीजिए। प्रूफ में यहाँ पे है, देख सकते हैं प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसमें लिस्ट आपको मिलेगा कि आपके कौन सा प्रूफ देना है, जैसे कि पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा, ई पैन कार्ड, पैन कार्ड का फ़ोटो, ठीक है। अगर आपके पास जो है राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का फ़ोटो चलेगा, EPDS का फ़ोटो। उसके बाद नीचे आता है आपका वोटर आई डी कार्ड अगर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है अपडेट, यहाँ पे प्लीज़ अपलोड एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट भी चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है ऑप्शन इलेक्ट्रिक बिल है, गैस कनेक्शन है, गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, मनरेगा कार्ड अगर आपके पास है। इतना सारा कार्ड दिया है, कोई ना कोई तो कार्ड आपके पास होगा ही, किसान हो गया, किसान कार्ड हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड भी है यहाँ पर दिया हुआ, देख सकते हैं। तो राशन कार्ड तो ज़रूर होगा, राशन कार्ड भी नहीं होगा तो आपके पास जो है वोटर कार्ड तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पे वोटर कार्ड भी दिया हुआ है तो आप वोटर कार्ड ही फिर से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोनों में हमने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे भी हमने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया,
अब दोनों में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है वी अपलोडेड, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड, ये गैलरी में लेके जाएगा, यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, दोनों में हमने फ़ोटो अपलोड किया है दोस्तों। फ़ोटो जो है डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फ़ोटो को आप PNG बना लीजिएगा किसी एप्लीकेशन से, PNG बना लीजिएगा किसी ऐप से, तब अपलोड कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा, तो फिर आप लोग कहिएगा कि नहीं हो रहा। फ़ोटो को आप PNG बना लीजिएगा, दोनों में अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से टिक कर देना है यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ओके कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पे देखिए कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये जो है 14/6/2023 के बाद करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ₹50 का चार्जेस लगेगा। अभी जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पे आधार अपडेट हो जाएगा। तो सारे प्रोसेस कंप्लीट है, पैसा वैसा कुछ नहीं देना है, पैसा नहीं लगेगा। और सबमिट करेंगे आपका आधार अपडेट हो जाएगा, बस फाइनल सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आधार ऑलरेडी अपडेटेड है। मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो जो है 3रा बन रहा है आपके लिए। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं।